नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप शेयर्स जो कि ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिसमें आप एक बार निवेश करके पूरी तरह से अगले 5 साल 10 साल के लिए आंख बंद करके होल्ड कर सकते हैं। और ये स्टॉक को तब बाय किया जाता है जब मार्केट कोई डिप दिखाता है, कोई भी डिप पे आप इसको बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और अगले 5 से 10 साल के लिए आराम से होल्ड कीजिए। और निश्चित रूप से ये स्टॉक आपको काफी बेहतर रिटर्न देगा। ICICI बैंक ये काफी बेहतरीन ये बैंक है और इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। देखिए अभी भी काफी पोटेंशियल है इस स्टॉक में आगे जाने का। अगर मार्केट कैप की बात करें 487,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है। और वहीं बात करें कंपनी के प्राइस का, तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो अप्रॉक्स 703 रुपीज है, इसी के आसपास है और डिविडेंड 0.28% का है। जल्दी आपको बैंकिंग सेक्टर में डिविडेंड देखने नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छे बैंक हैं जिसमें आपको डिविडेंड देखने मिलता है। और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न मात्र 5.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 13.1%, प्रमोटर्स होल्डिंग 0 है। बिल्कुल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये ICICI ग्रुप की एक प्रमोटर ग्रुप है, मतलब एक प्रमोटर कंपनी है ये, या फिर होल्डिंग कंपनी है या ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो कंपनी है। तो इस तरह से आप कई सारे नाम दे सकते हैं। तो काफी बेहतरीन ये बैंक है, जब तक ये पूरा ग्रुप नहीं डूबता है तब तक ICICI बैंक नहीं डूबेगा। उसके बाद प्लीज परसेंटेज की बात करें, बिल्कुल 0 है, कोई शेयर प्लीज है ही नहीं, प्रमोटर्स के पास है ही नहीं, तो प्लीज कहां से रहेगा। डेट इक्विटी काफी ज्यादा है, बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर में आपको डेट देखने मिलेगा ही। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी बेहतरीन है, 8% जो नॉर्मल रेट है उससे काफी ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कंपनी क्या करती है आपसे रुपया डिपॉजिट लेती है फिर वो लोन देती है, तो बीच का जो मार्जिन है वो 3.67% का मार्जिन अर्न करती है कंपनी, जो काफी बेहतरीन है। ग्रॉस एनपीए 4.38% है और नेट एनपीए जो है वो 0.63% है, तो नेट एनपीए काफी कम है। और वहीं कासा रेशियो जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है उसका जो रेशियो है 41.8 है। देखिए करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंट अकाउंट पर कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, जबकि सेविंग अकाउंट में 4% का कंपनी जो भी आपका अमाउंट होगा सेविंग बैंक अकाउंट में उस पर 4% का इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। और वहीं रिजर्व जो कंपनी के पास काफी बेहतरीन है, 1,56,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। और वहीं हम बात करें कंपनी का जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है, तो यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पर सेल्स का अगर ग्रोथ देखें तो 2010 में मात्र 30,000 करोड़ का सेल्स था, मतलब रेवेन्यू था, और यहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज होकर के हो चुका है 89,000 करोड़ का, यहाँ पर देखिए लगभग 3 times का यहाँ पर रेवेन्यू में जंप हुआ है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 4,670 करोड़ का, और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लगातार जंप हुआ है और लॉन्ग टर्म में मतलब अगले 10 साल में ये प्रॉफिट हो चुका है 18,000 करोड़ का, यहाँ तो 4 times से ज्यादा प्रॉफिट में जंप हुआ है, जबकि रेवेन्यू जो है मात्र 3 times के अप्रोक्स जंप हुआ था, लेकिन प्रॉफिट 4 times से भी ज्यादा जंप हुआ है। इतना सॉलिड ये कंपनी है, काफी अच्छी मतलब काफी बेहतरीन काम कर रही है, प्रॉफिट लगातार जनरेट कर पा रही है कंपनी। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल कंपनी के पास 1,383 रुपीज का है, रिजर्व जो कंपनी के पास काफी बेहतरीन है और काफी बेहतरीन रूप से इंक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पर मात्र 50,000 का था 2010 में, जो बढ़कर के हो गया 1,56,000 करोड़ का, और बोरोबिंग की बात करें 3,57,000 करोड़ का था 2010 में, और ये बोरोबिंग लगातार मतलब यहाँ पर बढ़ते गया है और बढ़ करके हो चुका है। यहाँ तो हम यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इस बोरोबिंग को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं बीच में कितना मार्जिन कंपनी अर्न कर पा रही है, उस मार्जिन को देखते हैं कंपनी बीच में कितना मार्जिन ले रही है। वही इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें, इसमें FIIs का स्टेक काफी बेहतरीन है, 45% था 2018 में, जो करके बढ़ के हो चुका है 48%, यहाँ FIIs का स्टेक लगातार बढ़ा है। वहीं DIIs के स्टेक की बात करें तो DIIs का स्टेक है 43.97%, 2018 में जो कि घट के हो चुका है 41.70, तो DIIs का स्टेक घटा है। वहीं पब्लिक का स्टेक 10.49% था, जो करके घट करके हो चुका है 10%,
यहाँ पर देखिए FIs पूरी तरह से इस स्टॉक में काफी बुलिश है और काफी ज्यादा इसमें FIs का होल्डिंग भी है, तो आप इसको एज ए प्रमोटर ले सकते हैं जो कि लगभग 50% के आसपास है। तो एक तरह से इसको एज ए प्रमोटर स्टेक आप ले सकते हैं जो कि काफी सॉलिड है इस स्टॉक में। अभी के टेक्निकल चार्ट की बात करें, चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड है क्योंकि मात्र एक ऐसा बैंक है जिसका जो रिजल्ट था इस क्वार्टर का, जून क्वार्टर का, काफी सॉलिड आया था। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर जाता है या कहीं यहाँ पर इसका जो सपोर्ट बन के आता है उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक हम इसमें बेरिश नहीं हो सकते, तब तक इसमें गिरावट का जो संभावना है वो काफी कम है। तो जब तक ये 680 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, क्लोजिंग बेसिस जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक आप इसमें बेरिश नहीं हो सकते हैं। स्टॉक काफी सॉलिड है, चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर का जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है 735 रुपीज। इसके ऊपर निकलता है तो निश्चित रूप से और ये और काफी जबरदस्त तेजी दिखाएगा। तो ये स्टॉक काफी सॉलिड है और हर डीप पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न देगा ये स्टॉक आपको।